नमस्कार। शुरुआत जी नेचर पैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि भिंडी कितनी फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। जी हाँ, भिंडी, इसको लिटिल फिंगर भी कहते हैं। भिंडी से कई प्रकार की रेसिपी बनती है। आप इसका रायता बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, कड़ी बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर से जो निकलने वाला रेशा है वो कई प्रकार के रोगों को ठीक करता है। और भिंडी खाने से भूख बढ़ती है। ये एक ऐसी गुणकारी सब्जी है कि इसके अंदर कमाल है। और भिंडी का सब्जियों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंदर प्रोटीन है, वसा है, रेशा है, कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, तांबा है। मतलब आप सोचिए कि कितनी पौष्टिक सब्जी है भिंडी, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और कोलन कैंसर को दूर करने में भिंडी बहुत ही फायदेमंद है। जी हाँ, ये आंतों में मौजूद विषैले तत्वों को दूर करने में काम करती है और आंतों को पहले से अधिक बेहतर बनाती है और उन्हें काम करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे कैंसर का खतरा कम होता है। डायबिटीज के लिए भी ये बहुत कमाल की चीज है। जी हाँ, भिंडी में मौजूद जो यूगेनॉल डायबिटीज से बचाने में मदद करता है। ये फाइबर रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। ये अंडकोशों में शर्करा के अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा कर डायबिटीज को दूर कर दे अथवा उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। भिंडी कब्ज को भी दूर करती है। ये डायटरी फाइबर का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, जो हमारी पाचन शक्ति को काफी फायदेमंद होता है, काफी फायदा पहुंचाता है। इसके अंदर फाइबर जो घुलनशील शरीर में मौजूद पानी में घुल जाता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया दुरुस्त हो जाती है, अनीमिया से बचते हैं आप। भिंडी के अंदर जो तत्व है आयरन का, वो आपके लिए काफी लाभकारी है। वो रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को ऊंचा करता है और आप अनीमिया से बचे रहते हैं। इसके साथ ही भिंडी में मौजूद विटामिन के रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, जिससे कई विकट परिस्थितियों में शरीर में रक्त स्राव बहुत कम होता है और वजन पर काबू रखता है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि भिंडी में मौजूद फाइबर से अच्छा कोई उपाय नहीं है। भिंडी की कैलोरी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, इसीलिए यह वजन कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय माना जाता है और दिल के लिए लाभकारी है। जी हाँ, सही कह रहे हैं हम कि भिंडी में मौजूद घुलनशील फाइबर जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। भिंडी उच्च कोलेस्ट्रॉल को काबू करने का कारगर उपाय है। इसके अंदर मौजूद तत्व उच्च कोलेस्ट्रॉल को काबू करने में मदद करते हैं। बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप बालों को लंबे समय तक काला और घना बनाए रखना चाहते हैं तो भिंडी इसमें आपकी बहुत मदद कर सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बालों की रूसी को दूर करती है। बाउंसी हेयर बनाने के लिए भिंडी के छोटे छोटे टुकड़े काटें और उसमें आधा नींबू निचोड़ दें। इसे सिर धोने में इस्तेमाल करें। इससे आपको बालों को काफी फायदा मिलेगा और आपके सिर की जुएं जो हैं वो भी मर जाएंगी। आपका ह्यूमन सिस्टम है, आपके ह्यूमन सिस्टम को मजबूत बनाती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और ये आपको खांसी से बचाने में मदद कर। विटामिन सी के अलावा इसमें और कई महत्वपूर्ण तत्व हैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कैल्शियम है, आयरन है, जो ये रेडिकल्स से लड़कर एक मजबूत और सक्षम शरीर आपको बनाती है, आपको उसके परिणाम देती है। और विटामिन ए और विटामिन बीटा कैरोटीन भिंडी में पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जो हमारी नजर के लिए काफी फायदेमंद है। इससे आप ये मान के चलिए कि आंखों के बड़े बड़े विकार जैसे मोतियाबंद से भी बचा जा सकता है। विटामिन ए आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप भिंडी का इस्तेमाल कीजिए। भिंडी अगर आप खाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप तंदुरुस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, मस्त रहेंगे। कितनी शरीर के लिए फायदेमंद है ये भिंडी, शायद आपको इससे पहले मालूम नहीं होगा, लेकिन हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप अपने आहार में, अपने खाने में भिंडी का इस्तेमाल करें, भिंडी को खाएं और
इस्तेमाल करें तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें टिप्पणी करते रहिएगा और हमारे दूसरे चैनल्स भी हैं, शुरुआत जी सुप्रभात, शुरुआत जी और शुरुआत जी लफ्जों की गूंज। इन चैनल पर जाकर भी आप उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छी अच्छी जानकारी ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।